कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोग पढ़ रहे हैं अभी एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज में कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें पहले वाक्य में कंडीशन हो, दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट हो। कंडीशन मतलब शर्त हो, शर्त बताने वाले वाक्यों को ही हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसके कम से कम तीन टाइप्स आपको जरूर सीखने चाहिए। पहले में क्या है कि पहले वाक्य में कंडीशन, दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट है, और रिजल्ट कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो पहले वाले वाक्य आगे आपको इफ या अनलेस लगाना है। इतना क्लियर हो पा रहा? अब आपने दो सेंटेंस देखे, यहाँ रिजल्ट देखो कौन से टेंस में नजर आ रहा, फ्यूचर टेंस में। रिजल्ट कौन से टेंस में है, तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है, पहले वाक्य में कंडीशन, दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट हो, और रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पहले वाले वाक्य के आगे इफ या अनलेस लगाना। रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है या नहीं, आपने देखा रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस वाले वाक्य में अपन को लगाना इफ या अनलेस। यहाँ लिखा ही शुड वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लगाओगे, इफ क्या लगाओगे, इफ लगाओगे या अनलेस लगाओगे, अनलेस लगाओगे, क्या लगाओगे, अनलेस ही। अब आपको इतना मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो बेटा कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती, किसमें, तो यहाँ आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अनलेस ही। अब यहाँ से शुड हट गया, वर्क में आप लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्क्स हार्ड, क्या बना, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो आपने लिखा ही विल फेल, तो वह फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा, यानी कि जिस वाले जिस वाक्य में आपने इफ या अनलेस लगाया, क्या लगाया, वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें, कब, जब रिजल्ट आपका हो फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कैन एन का भी यूज हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी, ठीक। अच्छा, अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, डू नॉट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे, ये भी एक कंडीशन है। यहां देखो अलग तरीके से सेंटेंस दिया, यदि तुम ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। आजकल सर्दियों का सीजन चल रहा, शादी पार्टी बहुत चल रही है, हिसाब किताब से खाएं, ठूस ठूस के खा गए फिर बाहर निकल रहा है, ओ इससे अच्छा है हिसाब से खाओ। यहाँ आप क्या बनाओगे, इफ है, और यहाँ सब्जेक्ट यू क्यों लिया, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता, और यहाँ देख लो यहाँ भी तो यू है, तो इफ यू ईट टू मच, यदि तुम ज्यादा खाओगे तो आपको लिखना है यू विल फॉल इल, तो तुम बीमार पड़ जाओ। बोलो कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा? तो आपको तीसरा सेंटेंस सेम इसी अंदाज में बनाना है, बनाइए जरा। डू नॉट वर्क टू मच, ज्यादा काम मत करो, यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य लॉस कर दोगे, कैसे बनाओगे, इफ यू, हाँ वर्क, वर्क यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे, यू प्लूरल है एस आई एस नहीं लगाया, यहाँ ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस आई एस लगाया, यहाँ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आई एस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम ज्यादा काम करोगे कॉमा, हाँ यू विल लॉस योर हेल्थ, अगर तुम ज्यादा काम करोगे तो बीमार पड़ जाओ, तो यदि तुम ज्यादा काम करोगे तो अपना हेल्थ लॉस कर दोगे, जबकि आपके हिसाब से बोलना चाहिए था यदि तुम ज्यादा काम करते हो तो हेल्थ लॉस कर, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इसी वजह से इसे कंडीशन कहा गया। अब आप एक चीज समझो, अगर रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो कंडीशन किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, ये मान के चलना हमेशा। और अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इतना क्लियर है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है इसको समझो, जैसे जब हम आज मेहनत करेंगे, ये है तो प्रेजेंट, यानी कि हमें कह रहे हैं आज मेहनत करेंगे, प्रेजेंट है, बनाया प्रेजेंट में, लेकिन बोला किसमें, फ्यूचर में, आज अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा,
अगर आज हम बदमाशी करेंगे तो भविष्य बदमाशी से भरा होगा होगा, समझ रहे ना। जैसे मान लो किसी के माता पिता ने सोचा कि मैं 2030 तक अपने बच्चे की शादी आदि करके बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, आपके माता पिता भी ऐसा प्लान कर रहे होंगे, अभी 24 चल रहा 6 साल में वो तुम्हें लपेट देंगे। अब लेकिन भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का छोरा इतना एडवांस निकले वो 28 में करके आ जाए, वो कह दे पापा चले हनीमून पे। तो यानी कि कंडीशन प्रेजेंट में होगी तभी रिजल्ट कब आएगा, और फ्यूचर का किसी को कोई भरोसा नहीं। एक सॉन्ग आया था, फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें आपने सुना होगा मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तभी पर कोई ना जाने अपना फ्यूचर। हाँ, कंडीशन प्रेजेंट में, रिजल्ट फ्यूचर में ही आएगा, ठीक है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं। अच्छा इसमें जरा देखो, ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कंडीशन किसमें दी है, पहला वाक्य किसमें दिया पास्ट टेंस में, दूसरे में क्या दिया वुड हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है। अगर ध्यान देना दूसरे वाक्य में तुम्हें वुड हैव क्या नजर आए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए, तो यहां हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। कौन सा टेंस? तो ये दो कंडीशन जरूर सीख लो, अगर रिजल्ट में वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, चाहे पेपर में कुछ भी लिखा हो तुम्हें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में तो रिजल्ट में वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा है, कंडीशन प्रेजेंट में तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में तो कंडीशन प्रेजेंट में, रिजल्ट फ्यूचर रिजल्ट में वुड हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंडीशन में पास्ट परफेक्ट, कंडीशन में पास्ट परफेक्ट तो रिजल्ट में वुड हैव और मेन वर्ब की। तो आपने लिखा इफ ही हैड नॉट, अब आप लिखोगे स्टडीड वेल, यदि उसने अच्छे से पढ़ाई ना की होती, ये तो मजे ही नहीं आ रहा, यहाँ नॉट नहीं लगाना है। इफ ही हैड स्टडीड वेल, यदि उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप लिखोगे ही वुड हैव पास्ट बाय पास हो गया होता। बहुत प्यारा नियम है, अगर पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ दिया हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो तो वेरी क्वाइट इनफ के स्थान पे क्या लगाना है सो, अगर पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ दिया हो दूसरे वाक्य में कैन नॉट और कुड नॉट दिया हो तो वेरी क्वाइट इनफ के स्थान पे क्या लगाओगे सो, और जो दूसरे वाक्य है दूसरा वाक्य मतलब जो फुल स्टॉप है वहां क्या लगाएंगे दैट। सीधी सी बात है, पहले वाक्य में क्या दिया हो वेरी क्वाइट इनफ दिया हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट कुड नॉट दिया हो तो वेरी क्वाइट इनफ को हटा के सो लगा देना, जहां फुल स्टॉप लगाते वहां दैट से इस वाक्य को जोड़ देंगे दैट लगा दें, क्लियर। अब क्या देखो, पहले वाक्य में देखो ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाय अ बैंगलो, वह बैंगलो नहीं खरीद सकता, पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ में से कोई शब्द दिख रहा है दिख रहा, दूसरे में कैन नॉट कुड नॉट दिख रहा है, तो अपन को क्या करना है ही इज सो पुअर, और यहाँ जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पे लगाओ दैट, छाप दो ही कैन नॉट बाय अ बैंगलो। इस सेंटेंस को बना करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको बना करके आपके दिमाग में सिंपल का एक नियम आ जाएगा, उसमें भी यही चीज पढ़ाई थी, अगर पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ दूसरे में कैन नॉट दिया हो तो वेरी क्वाइट इनफ को हटा के TOO लगाते और उसमें ये पूरा ही कैन नॉट पूरा हटा के सिर्फ टू लगा देंगे TO, जिसको इन्फिनिटिव कहा, यानी कि अगर यही सेंटेंस सिंपल पूछ लिया जाए तो टू और टू से बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स पूछ लेगा तो आप बनाएंगे सो और दैट से बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यही दिक्कत यही होना है। हो सकता पेपर ने सिंपल पूछा, तुम कॉम्प्लेक्स बना के आके बड़े प्रसन्न हो रहे, बोले पप्पा बिल्कुल सही गया, पूरा फुलटा पूरा सही करके आया, एक एक क्वेश्चन सही है, पापा ने कहा शाबाश बेटा पेपर मैंने पढ़ जाएगी कहानी। तो आपको नियम पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। पलक बताएं, सी वॉज क्वाइट को हटा के क्या लगाओगे सो पुअर दैट सी कुड नॉट अफर्ड आ कार। तो आप लोग इसके सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों समझ गए हैं, और आप लोग जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोगों ने भी इसके सिंपल और कॉम्प्लेक्स को समझ लिया होगा।
आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका सिंपल क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स तो मैंने बना के बता दिया है। और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। पर्पज मतलब उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस में पर्पज वाले सेंटेंसेज को कैसे बनाएंगे, जब पहले वाक्य में काम और दूसरे वाक्य में उस काम का उद्देश्य हो, पर्पज हो और मे माइट का प्रयोग हो। ये ध्यान रखना, पहले वाक्य में काम और दूसरे वाक्य में उस काम का उद्देश्य पर्पज हो और हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे और माइट का प्रयोग हो, तो हम दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, सो दैट से जोड़ेंगे। यहाँ इसका अर्थ होगा ताकि, क्या तीन चार बार बोलो ताकि 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 करके देखो बड़ा मजा आएगा। हाँ ताकि से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, ताकि से नहीं जोड़ देंगे, सो दैट से जोड़ देंगे। ताकि लिख दो क्या, सो दैट से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, पहले वाक्य में काम दूसरे वाक्य में उस काम का उद्देश्य हो और मे माइट का प्रयोग हो, तो हम दोनों वाक्यों को सो दैट से जोड़ते हैं। चलो देखें, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही माइट अर्न हिज लिविंग, वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो दूसरे वाक्य में हमें माइट का यूज मिला, माइट कब होगा, जब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा तो यहाँ माइट मिलेगा, अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा तो यहाँ मे मिलेगा। तो हमने देखा दूसरे वाक्य में हमें माइट मिल गया, तो क्या बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड, आपने पूरा लिखा ही वर्कड हार्ड, सो दैट पूरा सेम लिखना है, ही माइट अर्न हिज लिविंग, इसका मतलब क्या होगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ताकि ही माइट अर्न हिज लिविंग, वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। अगर मान लो पेपर हमसे कह दे, क्या कह दे, पेपर, क्या कह दे, हाँ पेपर कह दे सिंपल बनाओ, तो तकलीफ में तो नहीं आ जाओगे, नहीं तो तुम चिल्ला लो हाय पेपर 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 हाय पेपर। हाँ भैया क्या बनाएंगे, सिंपल पूछ रहे हैं तो क्या बनाओ, इसी सेंटेंस का अगर पेपर ने सिंपल पूछ दिया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ही वर्कड हार्ड, इन्फिनिटिव बना दो, टू अर्न हिज लिविंग, उसने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कठिन परिश्रम किया, बन रहा ना, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, अगर सिंपल कह दे तो आपको क्या लिखना है, ही वर्कड हार्ड, ये पूरी कहानी हटा देना, यहाँ इन्फिनिटिव टू लगा दो, टू अर्न हिज लिविंग। अगर आपने टॉपिक को इस अंदाज में सीख लिया फिर तो कोई पैदा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सिंथेसिस में से आधा नंबर कम करने की सोच पाए, देने की तो बात ही है ना, देना तो देना ही पड़ेगा, सोच भी नहीं पाएगा वो। इस एटीट्यूड के साथ पढ़ना, मतलब इस सेंटेंस का कम्प्लेक्स क्या बन सकता वो बनाया, सिंपल क्या बन सकता वो बनाया, और क्या हो सकता वो भी बना ले, एक ही सेंटेंस में कुछ और भी चीजें हो जाती ना। यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए, अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम ही नहीं होगा, अभी जो बात कही थी उसकी धज्जियाँ उड़ गई। इसलिए पढ़ाई को आप बहुत ही छोटे से दायरे में रह करके ना पढ़ें, ठीक है मैं ये सेंटेंस नहीं देता आप खुश रहते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर टाइप का सेंटेंस आपके सामने आए ताकि आप उसको भी सीख पाएं। यू मस्ट रन फास्ट, कोई बात नहीं, आपको तेज भागना चाहिए। यहाँ तो देखो यू मे कैच द ट्रेन तो आ रहा, यानी मे माइट का तो यूज हो रहा, तो अपन जब बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे लिख दो, यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज भागना चाहिए, सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, बन गया, कहाँ तकलीफ हो रही, तुम्हें तेज भागना चाहिए ताकि तुम ट्रेन पकड़ सको। काजल सागर, रोहन डज प्रैक्टिस अ लॉट, रोहन खूब प्रैक्टिस करता है, ही वांट्स टू बिकम अ स्प्रिंटर, वह एक धावक बनना चाहता है, स्प्रिंटर मतलब रनर, बताए रोहन डज, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेन वर्ब है, रोहन डज प्रैक्टिस अ लॉट, हाँ वेरी गुड, सो दैट ही wants to become a sprinter, जरा मीनिंग देखो, रोहन खूब प्रैक्टिस करता है, सो दैट ही wants to become a sprinter, ताकि वह स्प्रिंटर बनना चाहता है, कितना बुरा अर्थ निकल रहा है, रोहन खूब प्रैक्टिस करता है ताकि वह अच्छा रनर बनना चाहता है, मजा नहीं आ रहा। हाँ अगर हाँ ये आप कह रहे हो ताकि वह अच्छा रनर बन सके तो फिर अलग कहानी हो जाएगी। हाँ जी बोले, यहाँ इस बात पे ध्यान देना है, दूसरे सेंटेंस में मे माइट का यूज करना है,
तभी वो पर्पज सिद्ध होगा। तो आपने ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक बैठ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरे में मेल का यूज कर दो ना, सो दैट ही, यहां से बांड टू हटाओ, सो दैट ही मे, सीधा लिख दो ना, बिकम अ स्प्रिंटर। इसमें क्या दिक्कत है? ये बन गया रोहन डज प्रैक्टिस अलॉट, रोहन खूब प्रैक्टिस करता है, सो दैट ही मे बिकम अ स्प्रिंटर, ताकि वह एक अच्छा स्प्रिंटर बन सके। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का कभी सेंटेंस मिले तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, यहाँ सो दैट लगा के यहाँ हम मे माइट का यूज तो कर सकते, प्रेजेंट इसलिए मे लग गया, पास्ट होता तो यहाँ माइट लगा देते। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके साथ आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में आपने लेस्ट लगा दिया तो उसके साथ में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको शुड लिखना है, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, लेस्ट खुद ही निगेटिव, इसलिए लेस्ट के साथ कभी नॉट का यूज नहीं कर सकते। तो जरा देखते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो। कमाल की बात है, यहाँ एक सेंटेंस मिलेगा, यहाँ तुम्हें मे देगा पेपर लिख के, लेकिन आपको मालूम है लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगाते, शुड। लेस्ट के साथ क्या लगाना है? लेस्ट के साथ क्या लगाना है? शुड लगाना है। तो आपने क्या बनाया? वर्क हार्ड। अब आप लिखोगे वर्क हार्ड लेस्ट, क्या लगाया? लेस्ट। अगर तुम्हें यहां मे दिख रहा है तो लेस्ट यू और मे को हटा के यहाँ क्या लिखना है? शुड फेल। और आपको मालूम है शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते। इसका क्या मतलब होगा? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। निशान समझ रहे? चलो दूसरे का आंसर बताओ। वॉक स्लोली, धीरे चलो, यू, हाँ बिल्कुल ठीक, वॉक स्लोली लेस्ट, हाँ ये मे हटाना है, ध्यान रखना, नहीं आप जोश में पूरा मे को भी लपेट दो तो आपका बना हुआ आंसर गलत हो जाए। लेस्ट यू शुड, क्या लिखना है? यू शुड फॉल डाउन, क्या मतलब होगा? धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तीसरा आप लोग बना लेंगे? चलो आप लोग बनाएं, इसका आंसर मुझे बना करके बताएं, और YouTube वाले बच्चे सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आपकी एक कम्प्लेक्स की सीरीज समाप्त होती है। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी वक्त है, अभी जल्दी से करो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही शानदार टॉपिक्स आपके YouTube चैनल पर आने वाले हैं।